बुआ पप्पू संग मिल के छोड़ा कुछ भी न शेष, बुआ पप्पू संग मिल के छोड़ा कुछ भी न शेष, फिर किस मुंह से आएंगे बबुआ क्लेश, और बाप चाचा दिल को लगाए जो ठेस, ध्यान दीजिएगा, बाप चाचा दिल को लगाए जो ठेस, यूपी क्यों चाहेगी ऐसा क्लेश, अरे बुआ छोड़े पप्पू छोड़े, छोड़े सारा प्रदेश, और जान चुकी है देश की जनता कैसे हैं अखिलेश जोगी रा सारा रा रा। वो दे दिया जी, मेरा मुद्दा रहेगा विकास हुआ है और हो रहा है, और आगे की ये सरकार फिर से रिपीट आई तो कंफर्म है कि बहुत ही ज्यादा विकास। मैं वोट डाल के आई हूँ। क्या मुद्दा रहा मैम अपना? ये कि अमन शांति बना रहे, हर कोई लफंगा घूमता था, कोई छेड़ के चला जाता था, कुछ कोई नहीं कर पाता था, आप कोई छेड़ के चला जाए किसकी हिम्मत है छिड़क चली जाएगा तो? और जोगी जी को उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाए हैं तो इन्होंने इस राज्य को सुशासन और विकास दोनों दिए हैं, बिना जात पात रहित, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। अभी मैं जहां पर हूं, ये देख लीजिए बूथ है, चारों तरफ काफी भीड़ है। ये वो जगह है जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह उठकर आए और उन्होंने अपना वोट दिया, अपना वोट डाला है यहां पे। सुबह 7:30 बजे के बीच वो आए और उन्होंने अपना वोट डाला है यहाँ पर। भीड़ काफ़ी है, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है क्योंकि यहाँ पे पहली बार गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, लोग अब बहुत लोग सुबह आए हैं, अपना वोट डाल रहे हैं, कुछ लोग अभी वोट डाल के जा रहे हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है। पास में ही यहाँ मंदिर है और मंदिर के पास में ये झूलेलाल एक मंदिर है, उसके पास ये बूथ है। किसी की भी आवश्यकता नहीं है, और अखिलेश जी के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि बुआ छोड़े पप्पू छोड़े, छोड़े सारा प्रदेश, बुआ छोड़े पप्पू छोड़े, छोड़े सारा प्रदेश, और जान चुकी है देश की जनता कैसे हैं अखिलेश जोगीरा सारा रा रा। उन्होंने होली की तैयारी अभी से कर ली है। होली का मूड लग रहा है? एकदम होली का मूड है मैम, अभी से होली का मूड है। और नाम है राहुल राज मिश्रा नाम है मेरा। वोट डाल दिया आपने? नहीं अभी डाला नहीं हूँ, अभी परिवार का वेट कर रहा हूँ, परिवार के साथ डालूंगा। मैंने शहर में एक होर्डिंग देखी थी चुनाव प्रचार के दौरान, उस होर्डिंग पे लिखा था कि आ रहे हैं अखिलेश, पुकारता उत्तर प्रदेश, कुछ अजीब सा लगा, मैंने वहीं पे रुका और मैंने लिखा कि बुआ पप्पू संग मिल के छोड़ा कुछ भी न शेष, बुआ पप्पू संग मिल के छोड़ा कुछ भी न शेष, फिर किस मुंह से आएंगे बबुआ अखिलेश, और बाप चाचा दिल को लगाए जो ठेस, ध्यान दीजिएगा कि बाप चाचा दिल को लगाए जो ठेस, एक बार शुरू से, बुआ छोड़े, अभी आपको मैंने जोगीरा सरार सुना है और ये सुना रहा हूँ कि बुआ पप्पू संग मिल के छोड़ा कुछ भी न शेष, बुआ पप्पू संग मिल के छोड़ा कुछ भी न शेष, फिर किस मुंह से आएंगे बबुआ अखिलेश, और बाप चाचा दिल को लगाए जो ठेस, ध्यान दीजिएगा, बाप चाचा दिल को लगाए जो ठेस, यूपी क्यों चाहेगी ऐसा अखिलेश, अरे बुआ छोड़े पप्पू छोड़े, छोड़े सारा प्रदेश, और जान चुकी है देश की जनता कैसे हैं अखिलेश जोगीरा सारा रा रा। होली का मूड है इस बार आपका, क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ पे आपने बुआ मौसी सबकी बात करी दी है, तो कल मायावती कल आपकी ममता बनर्जी बनारस आई थी और उनको काला झंडा दिखाया है बनारस के लोगों ने और गो बैक ममता के नारे लगे हैं और उनका खेला हो गया है वहाँ पे, तो कैसे देखना चाहते हैं? नहीं, जहाँ तक ममता दीदी की बात है, उनकी चाहते बहुत ज्यादा हैं और चाहतों के हिसाब से अगर वो खरी उतरे तब तो ठीक लगता है, लेकिन खाली चाहत पाल लेना और उसको लेके कुछ ना करना कहीं से भी उचित नहीं है जी। तो जिस तरीके से काले झंडे दिखाया गया उनको, सही है क्या? एकदम सही, एकदम सही है, अगर देखा जाए तो यूपी के विकास को ध्यान में रखते हुए एकदम सही है। मैं कहना चाहूँगा विकास की लहर चली जो फिर से उस पे जोर दो, फिर एक बार दिल से भैया योगी मोदी बोल दो, फिर एक बार दिल से भैया योगी मोदी बोल दो, कुछ इस तरह से मिल के चल के सबकी किस्मत खोल दो, कुछ इस तरह से मिल के चल के सबकी किस्मत खोल दो, बस एक बार दिल से भैया योगी मोदी बोल दो। क्या बात है, गायक लग रहे हैं आप। नहीं मैम, जब से मैं महाराज जी के संपर्क में आया हूँ तो उन्होंने मुझे गायक और शायर बना दिया। हाँ, उनकी कार्यशैली से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पूरी उम्र मैं उनके लिए लिखूँ। मैंने महाराज जी के लिए लिखा है, माना दुनिया ने तू ही एटम बम, माना दुनिया ने तू ही एटम बम, फिर वेलकम योगी जी वेलकम, योगी जी वेलकम, दिल से है वेलकम, हर माए कहे इस लाल में दम, हर माए कहे इस लाल में दम, तो क्यों ना कहूँ योगी जी वेलकम, फिर वेलकम, दिल से है वेलकम, हर दल को दिखे तुझ में दम,
दम खम, अब राम नाम सब लेंगे हम, चलो दिल से करें योगी जी का वेलकम। क्या बात है, मतलब आपको लगता है योगी 2.0 आ रहे हैं? हमारा दो मिनट बताइए बताइए। हाँ, मैं, नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र दास त्रिलोक है। मैं माने प्रयागराज से आया हूँ। वो डाल दिया आपने? हाँ हाँ, मोदी जी जो हैं देश को स्टेबिलिटी प्रदान किया है। यह देश जिस समय बम बारूद से दहल रहा था, उस दिन ना कांग्रेस थी ना कोई था, निर्दोष आदमी मारे जाते थे। यह देश के जो दुश्मन इस देश में रहते हैं, उन्होंने इमारतों को गिरा दिया, 200 आदमी 400 आदमी मर जाता था, लेकिन किसी को बचाने वाला कोई नहीं था। आज मोदी ने कई लोगों को फांसी देके दिखा दिया है कि देखो यह देश कैसा है, अकेला अकेला मोदी को कहिए। और योगी जी को उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो इन्होंने इस राज्य को सुशासन और विकास दोनों दिए हैं, बिना जात पात रहित, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। इसीलिए एक एक पब्लिक का कर्तव्य होता है, अगर इस राज्य का विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, तो अपना बहुमूल्य वोट जो है, एक एक वोट, वोट से ही समाज बनेगा। हमारा साधु कहता है कि तुम पेपर मत पढ़ो, टीवी मत देखो, लेकिन हमारा कहना है कि जिस दिन दंगा होगी, उस दिन हमारे आश्रम वासियों को काट के चला जाएगा, तुम कहाँ रहोगे? इसीलिए तुम निस्वार्थ भाव से राजनीति में आओ, बिना पैसा कौड़ी का आओ। हमें कुछ ना, हमें पद नहीं चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, लेकिन देश और राज्य में सुशासन और मोदी चाहिए, योगी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए, चलिए मैम बताइए, सर बताइए, क्या MY की बोला? ओके, नॉलेज में जो MY कॉम्बिनेशन है, वो MY कॉम्बिनेशन वो नहीं है जो जान रहे हैं आप, मोदी योगी कॉम्बिनेशन। हाँ एकदम, मैं उस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। हिंद को बचाना, राम राज लेके आना है, तो सुन ले हमरे दिल की तू भी वॉइस वॉइस वॉइस। हिंद को सजाना, राम राज लेके आना है, तो सुन ले हमरे दिल की तू भी वॉइस वॉइस वॉइस। एम फॉर मोदी एंड वाई फॉर योगी, दिस इज माई चॉइस, दिस इज माई चॉइस। एम फॉर मोदी एंड वाई फॉर योगी, दिस इज राइट चॉइस। बहुत सही, बहुत सही। देखिए ये भाई साहब ने जबरदस्त MY फैक्टर का, जो यहाँ पे मुस्लिम और यादव फैक्टर चलता था, इन्होंने MY कॉम्बिनेशन को किस तरीके से मोदी और योगी कॉम्बिनेशन बना दिया है, और उसमें बहुत जबरदस्त अपने शब्दों में गानों के साथ किस तरीके से बताया कि अब MY नहीं चलेगा, अब MY चलेगा, लेकिन यहाँ मुस्लिम यादव नहीं, मोदी योगी चलेगा, और यही लोगों की चॉइस है। इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सिद्दीका बानो। अच्छा मैम, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे आपने वोट दिया? वोट दे दिया आपने? जी दे दिया। तो किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? जी साइकिल पे। साइकिल पे, मतलब क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार आपने? ये बदलाव, ये परिवर्तन, क्या वजह क्या है? कुछ बदलाव चाहते हैं हम लोग भी। बदलाव चाहते हैं, फिर भी एक मुद्दा तो होगा कि सुरक्षा में कमी लगी, किसी चीज़ में कमी लगी, जो बदलाव किस वजह से किया? जी बताइए, खुल के बताइए जी। हस्बैंड से पूछ। हस्बैंड से बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, आपने कोई मुद्दा तो होगा आपको वोट देने का, क्या आप जैसे बोला बदलाव चाहते हैं, आपने अपनी बेगम से बताया तो बेगम ज्यादा है, महंगाई से हम लोग परेशान हो गए, व्यापार हम लोग का सब बिगड़ चुका है महंगाई की वजह से। जी इसी वजह से चाह रहे हैं कुछ बदलाव हो, कुछ बदलाव हो। चलिए हम और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। चलिए यहाँ पे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवीदास। देवीदास जी, देवीदास जी वो कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, मतलब रेशम बानो आई, बानो जी कहती है बहुत बदलाव चाहिए, इस बार परिवर्तन चाहिए, आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए महंगाई की बात तो लोग करें ना, अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी बढ़ी है, तो अब तो हम 1 रुपए में गेहूं नहीं खरीद सकते ना, तो ये तो महंगाई महंगाई का ये बेकार का मुद्दा है। और डेवलपमेंट दिख रहा है कि इस सरकार में डेवलपमेंट दिखा, और वोट दे दिया? जी बिल्कुल दे दिया। अपने फिंगर जी जी, मतलब आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा रहेगा विकास हुआ है और हो रहा है, और आगे की ये सरकार फिर से रिपीट आई तो कंफर्म है कि बहुत ही ज्यादा विकास मिला। यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद अपना वोट डालने आए थे? जी आए थे जी। तो क्या लग रहा था वहाँ पे, कितनी भीड़ थी जब आए थे? नहीं ये बहुत ही आदर्श वोटिंग सेंटर है, यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज है, तो हमेशा से रहा है इस सेंटर पे। तो चलिए आपसे बात करेंगे, आपने वोट दे दिया? हाँ बिल्कुल दे दिया। आपका क्या, किन मुद्दों पे आपने वोट डाला?
मेरा मुद्दा तो एक तो विकास का है जो कि बहुत कॉमन मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे बहुत सी बेरोजगारी अभी हटनी बाकी है और बहुत अच्छे से हटेगी। तो ये तो बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो देंगे नौकरी देंगे, तो आपने साइकिल को चुना? नहीं नहीं, मैंने तो ये तो मैं रिवील नहीं कर सकता कि मैंने किसको चुना है, और लेकिन जिसको भी मैंने चुना है मेरा उस पर पूर्ण विश्वास है कि वो पूर्णतः मेरे आदर्शों पर और मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हर क्षेत्र में होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका नाम क्या है? किरण गुप्ता। मैम आपने वोट डाल दिया देने जा रही हैं? वोट डाल के आई हूँ, डाल कर आई हैं। क्या मुद्दा रहा मैम आपका? मेरा ये कि अमन शांति बना रहे, हम लोग कहीं जाने में हिचकते थे, अब बेहिचक जाते हैं, अब बहुत चैन से, घर पे भी लोग नहीं डरते हैं, पहले बहुत लगता है। ये जो सरकार है अच्छा काम कर रही है? बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। चलिए ठीक है, ये सरकार अच्छा बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आप महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, किसानों के मुद्दे देख लीजिए, और मुझे ये लगता है कि जो 12 लाख सरकारी पद खाली हैं, मैं भी PCS की एग्जाम दिया, मेरा दे दिया आपने? हाँ, वो डाल दिया, दे दिया। क्या नाम है आपका? शरद पंजवानी। शरद जी, तो क्या लगता है आपका क्या मुद्दा, आपने कुछ मुद्दे डाल के आपने कुछ सोचा होगा? मैं बेरोजगार रह चुका हूँ और मैं सिविल की तैयारी करता था प्रयागराज में, तो मैंने वहाँ की दशा देखी है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, अच्छा ठीक है आप अगर सरकारी नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट जॉब दे सकते हैं। जैसे क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो अब 32 हो गई है। 32 मतलब अगर आप देखा जाए, कब आपने ग्रेजुएशन कब कम्प्लीट किया? ग्रेजुएशन मैंने 2006 में पूरा किया। 2000 बेरोजगार है? नहीं नहीं, मैं 7 साल मैंने 6-6 साल तैयारी की सिविल के एग्जाम की, मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने बिजनेस कर लिया, क्यों मेरा बैकग्राउंड बिजनेस है, तो मैंने कहा बिजनेस करते हैं, जब नहीं जॉब मिला तो इसी क्षेत्र में मैंने सोचा। आप ये कह रहे हैं कि 10 साल से नौकरी नहीं मिली आपको? हाँ 10 साल समझ। समाजवादी पार्टी ने भी नौकरी नहीं दी और बीजेपी नहीं दी? मायावती को चुना होगा आपने? नहीं, 2006 में तो मायावती थी, फिर 2007 में मायावती थी, फिर उनको चेंज, फिर 2012 में अखिलेश आए, 2017 में योगी जी। आप कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ नौकरी देने में तीनों फेल। देखिए अखिलेश कुछ बेहतर हैं, अखिलेश ने सबसे ज़्यादा नौकरी दी, अगर आप ऑन रिकॉर्ड देख लेंगे सबसे ज़्यादा नौकरी जो अखिलेश दी, उसके बाद मायावती है, और ये तो बहुत कम है, ये तो 2 लाख लोगों को नौकरी दी है और गिना रहे हैं 5 लाख लोगों को दिए हैं, और सबसे बड़ी जानते मतलब हैं आपका जो मुद्दा है अहम मुद्दा रहा इस पर रोजगार को लेकर आपने वोट दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम क्या है? राजेश कुमार पांडे। राजेश कुमार पांडे जी, क्या लगता है वोट डाल दिया आपने? हमने डाल दिया। क्या मुद्दे थे आप? विकास के नाम पे। लग रहा है कि किसके नाम पे विकास आएगी? महाराज जी के। महाराज जी के, योगी आदित्यनाथ पूरे बहुमत से विजयी होंगे। बहुत अच्छे से। आपके क्या नाम है? सीमा कुशवाहा। मैम कुशवाहा जी, क्या लगता है कि आपने वोट डाल दिया? डालने जा रहे हैं? अभी नहीं मैम, डालने जा रहे हैं हम। डालने जा रहे जी हाँ। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? यहाँ तो आप योगी जी ही जीते थे और जीतेंगे भी, ये हम पूरे मतलब कॉन्फिडेंस होकर कह सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो खैर मानते हैं हर सरकार में बेरोजगारी थी, इसमें ही नहीं, नहीं सब सरकार में थी, क्या चीज़ नहीं बनवाया, हर जगह की सड़कें देख लीजिए, सब कुछ बस एक बेरोजगारी ही है ना। तो अपने सक्षम रहो, मिलेगा ही नौकरी, मतलब कि अच्छा पढ़ाई करो, सक्षम दिए करते रहो, कोशिश क्यों नहीं मिलेगी? और कौन सी सरकार नौकरी दे दी है? और हर तो जगह 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 तो सर योगी सब जगह देखे हैं, और सब जगह सड़कें हुआ, मंदिर आज अगर मंदिर जगह कोने कोने का मंदिर नहीं वो देख रहे थे ना, तो सारी जगह मुसलमान अपने आप कब्जा कर सकते हैं। कार्यकाल पूरे 17 साल है, 17 मतलब 24 घंटे में 17 ये हाँ घंटे ये मेहनत करते हैं योगी जी, इतना कोई महंगाई लोग तो देख रहे हैं, महंगाई लोग देख रहे हैं। उस समय अखिलेश के समय में सस्ता तो था, लेकिन क्या जितने हम लोग को आसानी से हर चीज मिल जाती है, अब उस समय नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। महिला सुरक्षा कितना बदला है? बहुत सा बदला है, ये अहम मुद्दा रहेगा। जगह हर कोई लफंगा घूमता था, कोई छेड़ के चला जाता था, कुछ कोई नहीं कर पाता था, अब कोई छेड़ के चला जाए किसकी हिम्मत है छेड़ के चली जाएगा? आज तो लड़कियां खुद बोल के निकल जाने, सब जुड़ जा रहा, मारना चालू कर दे रहा है उन लोगों को, अब तो कोई भी नहीं है। मतलब लड़कियों को सशक्त कर दिया इस बार? बिल्कुल किए हैं जी। तो महिला सुरक्षा अहम मुद्दा रहेगा इस बार? ऑफ कोर्स रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं। आदित्यनाथ के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन में फर्क पड़ा है? बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा पड़ा। क्या लगता है इस पर सरकार बनेगी फिर से? ऑफ कोर्स बनेगी, बिल्कुल बनेगी। धन्यवाद। यहाँ पे एक अम्मा भी है, उनसे बात करेंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती, वोट डाल दिए हैं? हाँ डाल दिए हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? बढ़िया मुद्दा है, महाराज का मुद्दा है। महाराज जी बढ़िया लगते हैं? हाँ। क्यों महाराज जी बढ़िया लगते हैं? अखिलेश यादव में क्या कमी है? वो तो कबो कौन सा अलग नहीं बनवा ले, कबो कुछ कही नहीं बैठे, तो वो बढ़िया मुद्दा रखे हैं। अखिलेश यादव बोले नौकरियाँ देंगे, कबो नहीं नौकरी देना, घूस पर देने, जो घूस वाले नौकरी देने, और का दे लेना, का कैले आने, कोनो काम कैले आने, कोनो गरीबे कैले आने, कोनो ठीक कैले आने, महाराज तक बहुत कुछ कह देने। आज काम कर ले हैं? हाँ बहुत काम कर ले। अच्छा चलिए ठीक है, बाकी और भी बूथ पे ले चलते हैं आपको, और देखते हैं वहाँ पे क्या रुझान है और लोगों अंदर कितना उत्साह है। यहाँ तो उत्साह भरपूर है, जबरदस्त। जय हिंद।